विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंद्र की कहानी हम सुन रहे हैं, इंद्र और अहिल्या की। जैसे राजा को पता चला, उसने दोनों को काफी सारे शारीरिक दंड दिए, लेकिन इंद्र ने कहा कि तुम चाहे हमें कितना भी दंडित करो, हमारे शरीर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रेम हमारे मन में है। अगर तुम हमारे शरीर को ज्यादा दंडित करोगे तो शायद हम यह शरीर त्याग देंगे, लेकिन मन फिर से एक बार दूसरा शरीर बनाएगा। यह सुनकर राजा ने फिर भरत ऋषि के यहां उनको ले गए और उनसे प्रार्थना की कि इस अवज्ञाकारी जोड़े को शाप देकर दंडित करे। ऋषि ने शाप दे दिया। उस जोड़े ने ऋषि और राजा से कहा, खेद है कि आप लोगों को जरा भी समझ नहीं है। शाप देकर आपने अपनी घोर तपस्या का पुण्य क्षीण कर दिया। आपका अभिशाप निश्चय ही हमारी काया को नष्ट कर देगा, परंतु इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई दूसरे के मन को नष्ट नहीं कर सकता, मन को नष्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। भले कितना भी किसी ने साधना करके, तपस्या करके, कितनी भी वह ऊर्जा ताकत इकट्ठा क्यों न की हो, दूसरे के मन को नहीं खत्म किया जा सकता। इस जोड़े ने भी वही कहा, आपने इतना जो पुण्य कमाया था हमको शाप देकर उसको गवा दिया, क्योंकि आपका शाप क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा हमारी काया को खत्म कर सकता है, हमारे मन को तो नहीं कर पाएगा। ऋषि के शाप से यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो गए, फिर दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। शाप का असर था तो उनकी काया नष्ट हो गई, शरीर छूट गए, फिर उन दोनों ने पशु के योनि में जन्म लिया। तदउपरांत पक्षी योनि प्राप्त की, फिर वह पशु की योनि भी छूट गई, पक्षी बन गए। एक बार फिर मानव योनि में धर्मनिष्ठा परिवारों में जन्म लिया और पक्षी योनि के खत्म होने के बाद फिर से मनुष्य जन्म लिया। एक दूसरे के प्रति निष्ठापूर्ण प्रेम के फलस्वरूप वे पति पत्नी बने। और उसके बाद जब मनुष्य जन्म मिला, एक दूसरे के प्रति तो निष्ठा थी ही, उसके वजह से वह पति और पत्नी बने। उनके उत्कट प्रेम से वन के वृक्ष भी प्रेरित और प्रभावित हुए। उनमें इतना गहरा प्रेम था, उनका मन एक दूसरे के प्रति इस प्रकार था कि वह सब देखकर वृक्ष, जो वन के वृक्ष थे, वह भी प्रेरित हुए। ऋषि का अभिशाप भी इनके मन में बदलाव न ला पाया। ऋषि ने शाप दिया, अभिशाप दिया, लेकिन उनका मन नहीं बदल पाया। इसी प्रकार आप भी पवित्र आत्मा के 10 पुत्रों के सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सूरज ने क्या कहा, हे ब्रह्मा, जिस प्रकार वह अभिशाप भी उन दोनों के मन को नहीं बदल पाया ना, आप चाहकर भी ये जो 10 पुत्र है ना इंदु के, उन्होंने जो सृष्टि का रचना किया है, ब्रह्मन उसने जो संसार बनाया है, ब्रह्मांड की रचना की है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे अपनी सृष्टि में जिस प्रकार व्यस्त है उसमें आपको कोई हानि भी नहीं है। और उन्होंने जो सृष्टि बनाई है ना, उसमें वह व्यस्त है, उससे आपको भला क्या हानि। उन्हें अपने सृष्टि में रत रहने दीजिए, आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते, भले ही स्फटिक में दिखने वाला प्रतिबिंब को दूर कर ले। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप उन्होंने जो उनके मन में चल रहा है ना, ये
उनके मन की वजह से उन सारी सृष्टियों की रचना की गई है। ऊपर कहानी में अभी हमने देखा, कोई शाप कोई अभिशाप भी मन को नहीं नष्ट कर पाया। तो मन ने जो ठान ली ना, वह वास्तविकता में आके ही रहता है, वह मन को नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वामी, आप अपनी चेतना के बल पर जैसी सृष्टि चाहे उत्पन्न करें। सच्चाई यह है कि असीम चेतना और अनंत आकाश सभी एक ही पदार्थ से बने हैं। सब में असीम चेतना व्याप्त है। उन युवाओं ने चाहे जैसी सृष्टि की हो, आप भी जितने लोगों की सृष्टि करना चाहते हो कर सकते हो। सबके मन में वह शक्तियां है। इस कहानी से वही पता चलता है। देखो, हमारा मन ना संसार उत्पन्न करता है और हमें जैसे चाहिए वैसे संसार उत्पन्न करता है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे संसार में सारे लोग खुश हो, तृप्त हो, तो आप ऐसे संसार की उत्पत्ति कर सकते हो। बार बार वही बात आ रही है, मेरा जो मन है उसी ने इस विश्व को बनाया है, और मेरे मन में जो धारणाएं दृढ़ हो गई है वैसे ही मेरी सृष्टि चल रही है। तो ब्रह्मा को भी सूरज ये कह रहा है, जैसे उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ब्रह्मा बन के वह उनके मन की शक्तियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वैसे ही हे ब्रह्मा तुम्हें जैसे चाहिए वैसे सृष्टि का तुम सृजन करो, उतने सारे सृष्टियों का तुम सृजन करो। तुम्हारे मन की शक्तियों को भी कोई मिटा नहीं सकता, जैसे तुम किसी के मन को नहीं मिटा पाओगे। मन ही सब कुछ है। इसी के ऊपर हमें मनन करना चाहिए, क्योंकि जैसे मन की जानकारी होने लगी उसकी शक्तियों को भी हमें अनुभव करना करने का मौका मिलेगा। ध्यान करके साधना के माध्यम से कहीं ना कहीं मन क्या है और उनकी शक्तियां, योगी क्या करता है, योगी अपने मन को ही काबू में करता है, बस में करता है, जिसके माध्यम से वह अपनी शक्तियों को जान सके और हमें जैसे चाहिए वैसे सृष्टि का सृजन कर सके। हम भी, हम में से हर एक ब्रह्मा स्वरूप ही है। हम भी चाहे वैसे सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, सिर्फ वह एक धारणा उसमें दृढ़ होना पड़ेगा। फिर इसीलिए कहते हैं ना, हमारी दुनिया हमारे मुट्ठी में है, ये उसका ही कारण है। हमारे मन जैसे किसी धारणा को लेकर दृढ़ होता गया, वैसे सृष्टि का सृजन हम भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ जी और क्या बता रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।